करेंगे थोड़ा नीचे झुक झुक के। हाँ भाई बहुत मुश्किल है। मतलब 1,00,000 रुपए सैलरी होगी तब मैं जाऊंगा घूमने, तो भाई वो कुछ नहीं, समय निकल जाएगा। फिर जब आपके पास असली में पैसे आना स्टार्ट होंगे फिर आपका मन बदल जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो निकल जाओ, जो भी रिसोर्सेज हैं। तो भाई मैं ये कह रहा था निकल जाओ, कल का वेट मत करो, कल कभी नहीं आता। धीरे धीरे पूरी एज निकल जाएगी, 50 साल के हो जाओगे फिर। 35-40 के बाद तो वैसे भी बॉडी थोड़ी साथ देना छोड़ देती है, तो तब तक का वेट करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। इंडिया में क्या है, लोगों का आधे से ज़्यादा लोगों का जो लाइफ का मतलब है वो शादी है। तो इसलिए गूगल मैप्स के भरोसे आप एटलीस्ट पहाड़ों पे तो मत रहा करो। कभी कभी क्या हो सकता है, गूगल मैप्स आपको सीधी रोड दिखा रहा है और वहाँ पे खाई होगी। टिबेटन फ्लैग है बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ से मैं उसे लद्दाख में खरीदूंगा। मुझे अपने व्हीकल पे एक बार टिबेटन फ्लैग लगा के चलाना है, लेकिन वो मैं तब लगाऊंगा जब मैं खुद खरीदूंगा लद्दाख से। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनप्लग सफर में। आज है 2 दिसंबर 2024। फिलहाल मैं हूँ मसूरी में, मसूरी के एक होटल में रुका हुआ हूँ और मैं कल आया था घूमने के लिए। फिलहाल आज डे 2 है, तो एपिसोड 2 देख रहे हो आप। और भाई फिलहाल तो भाई टेम्परेचर इधर हो रहा है 9 डिग्री हो रहा है, बट इतना ठंड वैसे नहीं लग रही है, बट पानी बहुत चिल्ड है भाई। हाथ ना एकदम सुन हो जा रहे हैं हाथ वगैरह धोने में। सुबह हो चुकी है अभी, 8:12 हो रहे हैं और अभी हम 9:30 तक निकलेंगे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए तो भाई दलाई हिल्स सोचा हमने, और बुद्धा टेम्पल है वो सोचा है, और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस करके कुछ है वो सोचा है। बाकी उसको कवर करने के बाद देखते हैं, हमें और टाइम बचता उसमें हम घूमेंगे, और शायद से कल हम चले जाएं, क्योंकि ये होटल भाई बहुत बेकार होटल है मेरे हिसाब से तो, और अक्षत के हिसाब से बहुत बेकार होटल है। मतलब हम इसको 1 रेटिंग भी नहीं दे सकते, ये माइनस वाली रेटिंग का होटल है। देखूंगा मैं कार्ड दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे फालतू में पंगे लेने वाली बात है, बट देखता हूँ। या तो एपिसोड 3 में कार्ड दिखा दूंगा होटल का। तो भाई मैं जो इस कार्ड को देख लेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि इस गलती से भी इस वाले होटल में मत आना। जो भट्टा गांव वाली रोड है ना, ये जो भट्टा फॉल्स की तरफ निकलती है इस पे ये होटल पड़ता है, तो इधर मुश्किल, मतलब गलती से भी मत आ जाना। इसका नाम परी होटल कुछ है, परी देख सकेंगे, परी हॉल, मतलब परी वर्ल्ड करके कुछ होटल है, मैं कार्ड दिखा दूंगा अभी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार है, मैंने पता नहीं क्यों गलती से खरीद लिया ये। तो अच्छा हुआ मैंने 2 दिन के लिए लिया, 3 दिन के लिए वैसे हमारा प्लान था, बट 3 दिन के लिए नहीं लिया मैंने। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, और एक तो सामने का व्यू, अभी सुबह के समय में तो सन इस साइड से निकला है तो अभी भी अच्छा व्यू आ रहा है। तो मैं आपको पहले बाहर दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम कुछ खाएंगे रास्ते में, क्योंकि यहाँ से तो अभी मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। कल रात को मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था यहाँ से, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं, जैसे इनके होटल्स के रूम है वैसे इनका खाना कब का होगा, कितना पुराना खाना दे रहे हैं। तो जाते जाते ब्रेकफास्ट हम बाहर से करेंगे, या देखते हैं क्या करते हैं उसके हिसाब से, और फिर जाएंगे हम घूमने के लिए आगे। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो भाई कल रात को ये टीवी बड़ी मुश्किल से चली गया था, 2-4 बार उसको ऑफ किया तब जाके टीवी चला। बाकी इधर हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा ही बिखरा हुआ है। और भाई देखो यहाँ से ना, बेड से जैसे ही मैंने सुबह ये खोल दिए थे कर्टेंस, तो भाई बेड से उठते ही ना क्या व्यू दिख रहा था यहाँ से, भाई मज़ा आ गया था एकदम। अब मैं बाहर से आपको ये व्यू दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब, लिटरली पता नहीं मुझे कैमरा में कितना दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन पूरी ना ब्लैक सी हो गई है। ये देखो इधर से, और इधर से धूप निकल चुकी है, सनराइज हो चुका है। ये देखो तो जो धूप है वो इस साइड पड़ रही है, और बड़ी मस्त लग रही है धूप। और उस तरफ से वो रोड आ रही है सामने से, इधर से हम घूम घूम के ऐसे ऐसे आए हैं इधर, और फिर ये रोड यहाँ से घूम जाती है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी इस तरीके से कुछ है। और यहाँ पे पूरा कोहरा टाइप का बोल लो, धुंध बोल लो, वो हो रहा है, इसलिए पता नहीं कितना समझ आ रहा होगा। मैं जूम करके कोशिश करता हूँ दिखने की, इतना ही है, पता नहीं कितना समझ आ रहा होगा। बाकी मुझे तो स्क्रीन दिख नहीं रही, क्योंकि धूप की ऐसे स्क्रीन डार्क हो गई है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे
ये देखो थोड़ा ना ड्राइव सेफली करनी चाहिए। ये देखो सामने ना गाड़ी पड़ी हुई है, और ये गाड़ी बहुत मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा उसकी पड़ी है, और सामने ना रोड है इधर ये, इसलिए यहाँ से मेरे ख्याल से गाड़ी गिरी होगी इधर। तो इसलिए सबको ड्राइव थोड़ा सेफली करना चाहिए, ज़्यादा जोश में आके, और स्पेशली पहाड़ों पे तो ज़्यादा जोश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एकदम से ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना, एकदम से गाड़ी गिरेगी सीधा नीचे। इस गाड़ी के साथ भी यही हुआ है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये। चलो भाई व्यू पता नहीं कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि धूप ऑपोजिट आ रही है। अब थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं आपसे। A few moments later. तो भाई जस्ट अभी हम निकल रहे हैं, देखो कपड़े चेंज कर लिए मैंने। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि ना यहाँ पे एयरटेल चल रहा है जब से मैंने एंटर किया है इस पहाड़ वाले रीजन में, बट जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे भाई बिल्कुल भी। मेरे जो मैंने जो मैप्स चलाने के लिए जियो का जो सिम लगा रखा है ना, उसमें मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे। मेरा जो मेन नंबर है वो तो एयरटेल का है, तो वो तो चल रहा है उसका नेट वगैरह, बट जियो का नेटवर्क पता नहीं रोमिंग दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो रखा है। तो उसकी वजह से मुझे हॉटस्पॉट में मैप चलाने पड़ रहे हैं, तो बीच बीच में ना मैप गायब हो जाता है, तो फिर मैप गायब हो जाता है तो फिर नेट खोलो रास्ते में रुक के, टाइम वेस्ट होता है। तो भाई आप भी देख लेना कि जियो के नेटवर्क यहाँ इस एरिया में तो नहीं चल रहे, अब आगे चल रहे होंगे तो बता दूंगा। बाकी अब हम जस्ट निकल ही रहे हैं, कुछ खाएंगे बाहर फिर आगे की तरफ निकलेंगे। यहाँ से 12 किलोमीटर शायद मैंने गलत बोल दिया था, 15 से 16 किलोमीटर है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, माउंट एवरेस्ट कुछ बोल रहे थे हम पहले। भाई अब निकलते हैं, उसके बाद दलाई हिल जाएंगे, तो आगे जाके मिलते हैं। तो भाई फिलहाल हम निकल रहे हैं घूमने, लॉक लग रहा है, वो भी बड़ा भगवान भरोसे लोग हैं, ढंग से चेक करना पड़ता है। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं यार बाहर ही खाएंगे खाना, यहीं से है ना भाई। देखो यहाँ से कितनी ऊपर है, यहाँ से नीचे भी रूम है इसके। हाँ भी गाड़ी में रखते हैं। चलो भाई ये देखो भाई यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है, थोड़ा खंडर टाइप है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा बना हुआ, ऊपर इनका जो मेन रेस्टोरेंट का एरिया है ना वो बढ़िया है। देखो भाई ये रोड आ रही है, ये है हमारा होटल बोल लो, हाँ होटल ही होम स्टे है, द परी वर्ल्ड, यहाँ सारा एड्रेस वगैरह लिखा है। और इधर ये है, यहाँ पे रूम भी मिलते हैं। सांस चढ़ गई मेरी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, हम निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फिलहाल अभी हम पैदल उसी होटल में जा रहे हैं, वो कौन सा था नाम क्या था, देवभूमि वाला जो रेस्टोरेंट है उसमें जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी लेके जाएंगे तो वहाँ पता नहीं पार्किंग की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, रोड पे लगानी पड़ेगी, इसलिए खा के फिर गाड़ी लेके निकलेंगे। इधर भी रूम्स अवेलेबल है टेरेस साइड वे हमारे वाले होटल के थोड़ा सा आगे चल के है, बट पता नहीं कैसे होटल्स होंगे, मतलब ऊपर तो अच्छा बना रखा होता है बट नीचे कुछ अलग ही निकल जाता है। हमारे वाला तो एक्सेप्शन ही केस हो गया भाई, मतलब हमने सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ना कि इस तरीके से रोड है। और इधर ही घूम रही है ना जहाँ पे रोड, इसी के घूमते कट पे। और भाई ये रोप वे है भट्टा फॉल जाने के लिए नीचे, मतलब वैसे पता नहीं और कोई रास्ता मेरे ख्याल से ट्रैकिंग करके भी होता है, बट यहाँ सब सीधा रोप वे से जा सकते हो। अभी तो नहीं खुला, थोड़ी देर बाद खुलेगा मेरे ख्याल से, और नीचे आपको भट्टा फॉल मिलेगा, जो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल जाने में, इसलिए जिसको आना होगा वो आ सकता है। इस तरह भट्टा फॉल है, मैं तो उसका रोप वे है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरी ना पार्किंग है, लेकिन वो है अपने रिस्क पे पार्क करो लिखा है हमारा, पार्किंग एट योर ओन रिस्क। और इधर पार्किंग है, मतलब ये भट्टा फॉल की आली रोड जो है ना सामने, सपोज़ ये भट्टा फॉल है, इसकी इधर वाली रोड पे ना वो होटल है जहाँ हम रुके हैं, और इस साइड पे जो हम खाना खाने के लिए ढाबे पे आए हैं वो है। बाकी व्यू देखो, मसूरी झील यहाँ से 2 किलोमीटर है, केम्प्टी फॉल 23 किलोमीटर, मेन मसूरी यहाँ से 8 किलोमीटर है, और भट्टा फॉल 1.5 किलोमीटर, तो जो रोप वे है वो आपको नीचे भट्टा फॉल पर पहुँचाएगी। ये देखो इस तरफ बना हुआ है ऐसे, और भाई चढ़ाई है ही प्रॉपर, सांस चढ़ गई मेरी चढ़ते चढ़ते, कैमरे में नहीं समझ आता बट हम पैदल चल के आ रहे हैं ना, थोड़ी स्टीप है। और अंकल की दुकान, हाँ अंकल की दुकान भी खुल गई है, भाई खाना एक नंबर था अंकल का, मतलब अच्छा था, इतना हाई क्लास तो नहीं बोलूँगा बट सबसे मेन चीज़ अंकल का बिहेवियर टॉप था। खतरा सो रहा नीचे, ये रहा
ये भाई अंकल की दुकान सामने। चलो भाई आ जा भाई, अभी बन रहा है, हमने दुकान में ऑर्डर दे दिया है। बाकी ना 8 डिग्री में भी भाई अब गर्मी लग रही है, धूप की वजह से 8 डिग्री हो रहा है, बट मैंने अपनी ना जैकेट उतार दी तरीके से यहाँ पे। और ये भट्टा फॉल इधर ही है भाई, मेरे को पता नहीं था पहले, लेकिन जब मैं थोड़ी देर पहले आया ना तब पता चला देहरादून 23 किलोमीटर्स। बाकी इधर पूरे बने हुए हैं, रूम्स ही रूम्स हैं, बट वही यार सरदर्दी होती है गाड़ी लेके ना इधर उसमें जाना, बाइक में तो आसानी से घूम जाते हैं। इधर भी है पार्किंग है इधर आकृति में। और ये रहा भाई देवभूमि रेस्टोरेंट, दिख रहा है आपको, इधर है जहाँ अक्षत खड़ा है। ये भट्टा फॉल की पार्किंग है, रोप वे टू भट्टा फॉल की पार्किंग। इधर सर्विस सेंटर है बाइक का और इसी के सामने। A few moments later. तो चलो भाई, खाना तो खा लिया हमने और अब हम निकल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए। तो कितना यहाँ से 16 किलोमीटर दिखाया है, 38 मिनट कुछ दिखा रहा है, 38 या 45 मिनट का रास्ता है। तो अभी तो 10 बज गए हैं, वैसे हमारा जो प्लान था वो 9 बजे का था, बट थोड़ा हो जाता है भाई, तो 10 बज गए हैं। तो 35 मिनट में 10:45 तक हम पहुँच जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे दलाई हिल्स भी जाना है हमें, और उसके आगे जो हमारे मतलब मेन आइटनरी है उसके अलावा हम पे अगर कोई टाइम बचता है ना फिर हम आगे का देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। बाकी तो रास्ता तो भाई यहाँ पे मज़ेदार है, और अभी थोड़ी ना ठंड अभी हो रही है लेकिन धूप की वजह से ना गर्मी लग रही है, तो मैंने बीच में तो अभी वो भी उतार दी थी, जैकेट भी उतार दी थी। बाकी इतनी कोई गाड़ी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब पावर में बस एसी चला के बंद कर दे, क्योंकि कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है। और वैसे होटल्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट वही है जैसे मैं बता रहा था कि गाड़ी में ना यार मेरे को सरदर्दी लगती है, बहुतों को नहीं लगती होगी, क्योंकि रास्ता रुक सा जाता है ना इसलिए दिक्कत हो जाती है। बाकी अभी तो रोड पे ही ध्यान है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा घूमता नहीं है स्टेयरिंग एकदम से, क्योंकि पावर स्टेयरिंग नहीं है ना मेरा, इसलिए रास्ता तो भाई यहाँ पे देखो हम आगे तक हम कल नहीं आए थे वैसे, शायद इतना आगे तक मैंने यहाँ पे घूमा, बट यहाँ पे थोड़ा क्लटर्ड है इसके आगे आगे ना, वहाँ पे थोड़ा खुला हुआ ज़्यादा एरिया है। बाकी यहाँ पूरी प्रॉपर शॉप्स वगैरह भी बनी हुई है, रात को अगर टाइम मिलेगा ना यहाँ पे मैं आ जाऊँगा ये क्या कहते हैं शॉप वगैरह दिखाने के लिए। बाकी रास्ता तो बढ़िया ही है, करता रहा शूट करता रहता हूँ, रास्ता तो बढ़िया है। मेरे साइड में मैंने वो लगा रखा है ब्लाइंड्स, क्योंकि धूप पड़ रही है बहुत तेज, थोड़ा जा रहा है भाई अच्छा उधर जा रहा है, ब्लाइंड टर्न है एकदम यहाँ पे जो मैं काट रहा हूँ ना, कट गई गाड़ी पूरी। ओ भाई आप तो और ऊपर जा रहे हैं, हम नहीं है यार बना हुआ, तो वैसे यूके नंबर गाड़ी है, मुझे अभी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि आज जो है ना आज मंडे है, तो मंडे में इतना भीड़ नहीं होती है, इसलिए मैं जानबूझ के वही सेलेक्ट करके आता हूँ जितने में भीड़ ज़्यादा ना मिले, क्योंकि वीकेंड पे आओगे तो भाई ऑब्वियसली भीड़ ज़्यादा मिलेगी, तो मुझे भीड़ में घूमना इतना पसंद नहीं है, थोड़ा खाली होना तब मज़ा आता है घूमने में। तो अब धीरे धीरे हम आगे निकल रहे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे मिलूंगा, जब तक आप बीच में सिनेमैटिक्स तो देख ही रहे हो कि कैसे हैं। और यहाँ ब्लाइंड टर्न्स में बहुत ध्यान से निकालनी पड़ती है मेरे को, तो यहाँ पे कुछ छपरी भी होते हैं, जैसे दिल्ली NCR में आपको छपरी मिलेंगे, यहाँ भी कुछ छपरी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी बाइक लीन करते हैं, कुछ तो इधर की गाड़ियाँ भी नहीं होती, बाहर की होती है दिल्ली NCR की, दिल्ली हरियाणा नोएडा इन सब की गाड़ियाँ होती हैं, वो मारते बहुत गंदा वाला कट यहाँ पे पहाड़ों पे, जबकि ब्लाइंड जगह पे टर्न मार वो कट मारते हैं पूरा लीन करके सामने से, और सामने से अगर कोई गाड़ी उस टाइम पे आ गई और कंट्रोल नहीं हुई तो भाई सीधा नीचे जाओगे, सीधा या तो टकराओगे या तो सीधा नीचे जाओगे। और यहाँ पे देखो रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, पूरी सीन कितने अच्छे, ब्यूटी है पूरी नेचर की और ग्रीनरी है। बट यहाँ पे ना एक चीज़ है, जैसे हम नैनीताल जब गए थे ना, तो नैनीताल में ना कुछ 15-10 किलोमीटर का पैच ना ऐसा आता है जहाँ पे आपको ना कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम रोड पे ना कंस्ट्रक्शन हो ही रखी है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है। अब वो ठीक भी है क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं कमाई होती है वो मेनली टूरिज्म के ऊपर ही होती है, इसलिए वो तो लॉजिकल बात है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, बट उससे फिर नेचर को भी दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, इसमें इतना कुछ बहस नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही चीज़ें फ़ायदा दे रही है, इकोनॉमी को टूरिज्म फ़ायदा दे रहा है, लेकिन फिर उसमें एक नुकसान भी हो रहा है कि नेचर ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते उसका, तो 50-50 वाली बात है। अब बात कम करते हैं, सीन्स देखो आप सिनेमैटिक्स में देखो, उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस।
Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step. कुत्ते को भी डर नहीं लग रहा, मजे वाली जिंदगी जी रहा है भाई। मैं बाहर गया ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, पीछे आने लग गया था भाई। लिटरली व्यू बहुत तगड़ा है, ये देखो कुछ आंखों से तो भाई नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। वीडियो में तो मुझे नहीं पता क्या दिख रहा है, आंखों से नेक्स्ट लेवल व्यू है ये देखो सामने। इससे ऊपर नहीं जा सकते, मतलब पैदल का रास्ता जरूर होगा बट रोड ये सबसे ऊंची रोड है। A few moments later. तो भाई पहुंच गए हैं फिलहाल, पार्किंग यहाँ लिखी हुई है जॉर्ज एवरेस्ट की, हम नीचे जा रहे हैं। पार्किंग इधर है, उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे होता है हम नीचे दिखाते हैं। अभी देखते हैं कितना, मतलब ज़्यादा लंबा तो नहीं है, 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है पार्किंग। तो सही है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस मिल जाएगा ना, फिर अपने आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा गियर लगा दिया, सही है चलो। तो वैसे सही रास्ता है यहाँ पे भाई। अच्छा यहाँ से फिर ट्रैक करके शायद हमें ना ऊपर जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पार्किंग जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड टूरिज्म ऑफिशियल। अच्छा ऑफिशियल पार्किंग है भाई, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्किंग पे लगाना, इधर उधर मत लगाना, फालतू में पंगे पड़ेंगे। प्राइवेट पेड पार्किंग आगे है क्या? अच्छा दूसरे गियर पे है अभी गाड़ी, जब भी मैं कहूँ क्लच छोड़ने के बाद ही अटैक कर लीजिए। ओ भाई साहब कैसा रास्ता भाई, कितना नीचे जा रहे हैं हम। हाँ गाड़ियाँ देखो सामने, आपको गाड़ियाँ दिखती होंगी खड़ी हुई। ओ भाई सामने मेरे राइट में तो पूरा प्लेन बना पड़ा, एकदम प्लेन रास्ता है। पेड पार्किंग सामने, ओए हाय हाय एकदम नीचे है ये, बहुत ढलान है, पता नहीं चल रहा कैमरे में। यहाँ से मिलेगी शायद पर्ची, आगे से मिलेगी भैया, पर्ची आगे से मिलेगी। लॉर्ड ऑल्टो आ रही है भाई, लॉर्ड ऑल्टो भाई, लॉर्ड तो मानता हूँ मैं ऑल्टो को, कुछ भी बोलो कोई गाड़ी लॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑल्टो हमेशा लॉर्ड रहेगी। पार्किंग है हाँ, यहाँ से पैदल जाना है। हाँ जी 200 रुपए तो एंट्री भैया यहाँ से पर पर्सन। हाँ ठीक है 200 रुपए कार पार्किंग है, इधर लगा इधर टिकट है, इधर पार्किंग लॉट फोर व्हीलर 204 200 है जनरल एंट्री ना, टू व्हीलर की 100 है, 4 घंटे फोर व्हीलर की 200 है, 4 घंटे कैटोग्राफी म्यूजियम। कैटोग्राफी क्या होता है? चल यार ले ले पहले। अंकल 2 टिकट चाहिए थी, 4 घंटे नाम बताइए। आभास पवार अक्षत वॉट्स। कितने चाहिए थे? 2 चाहिए टिकट, 2%। हाँ नाम बताइए। आभास पवार ABHAS। मोबाइल नंबर 98। कहाँ से? दिल्ली। 2% की ना, दोनों की होगी। हाँ इसी में होगी, आ जाओ। एंट्री हो रही है, पार्किंग भी इधर ही है, यहाँ टिकट थी इस साइड पे और यहाँ से एंट्री है कस। तो भाई ये रही जॉर्ज एवरेस्ट की पार्किंग है, 4 घंटे की पार्किंग है और 2 व्हीलर के 100 हैं, 4 व्हीलर के 200 हैं। और वो दिखा दे वाली पर्ची, ये पकड़। और भाई इसमें ये रही, ये 200 रुपये की पर पर्सन है एंट्री टिकट, तो हमने 2% है तो 400 हो गए। और ये इस तरीके से टिकट है, अब अंदर चल के दिखाते हैं जो जो होता है भाई। देखो थोड़ी ऐसी अभी छोटी ट्रैकिंग कुछ हो रही है, अभी इसके बाद ऊपर मतलब एकदम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद जो मेन ट्रैकिंग है इससे भी ऊंची ट्रैकिंग है, वो तो थोड़े कच्चे रास्ते से होके जाती है, तो वहाँ की तरफ जाएंगे भाई। सांस चढ़ने लग गई, इतनी रोज़ रनिंग करने जाता हूँ फिर भी फिटनेस पहाड़ों पे आके पता चल रही है क्या है, इतने सांस चढ़ गए। अभी तो ऊपर ट्रैक करके भी जाना है, तो देखते हैं धीरे धीरे कैसे टॉप तक पहुँचेंगे। वहाँ से तो भाई एक नंबर व्यू आता है,
बेस कैंप से तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक व्यू आता है, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। भाई मेरी तो हालत बुरी हो गई, चढ़ चढ़ के चढ़ा नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा। अभी तो इतनी स्टार्टिंग ही हुई है, देखो रास्ता ऐसे है और ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा, ये बहुत स्टीप रास्ता है। ये देखो नीचे दिख रहा होगा, ये देखो पीछे की साइड दिख रहा है कितना स्टीप है, बट चढ़ते टाइम नहीं दिखता, सांस चढ़ गई बहुत ज़्यादा। वो मीम बना है ना इंस्टाग्राम पे आता है कि मेरी ना मेंटल हेल्थ ख़राब थी, तो मैं सोचा कि हम पहाड़ों पे चलते हैं, फिर जब मैं पहाड़ों पे गया तब पता चला मेरी मेंटल हेल्थ नहीं, मेरी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है भाई। अभी तो 700 मीटर बचा है, हमारी तो यही हालत ख़त्म हो गई भाई, बुरी वाली हालत हो गई। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है स्टीप ना बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मतलब खड़ी चढ़ाई होती जा रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। पीछे थोड़ा सा भाई रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, खड़ा ही नहीं हो जा रहा यार। यहाँ तक गाड़ी लाने दे देते फिर, लेकिन फिर ट्रैवलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ये कोई ट्रैवलिंग नहीं होती, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए यहाँ पे। और क्या क्या है, थ्रिल इन द ब्रीथ ऑफ हिमालयस। तो यहाँ पे आप भाई हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, जिसकी टिकट अभी हमको नहीं पता, अगर पता चलेगी तो बताऊँगा। वैसे 3000 से तो कम की एक्सपेक्ट मत करना हेलीकॉप्टर की टिकट, बट फिर आप ये ट्रैकिंग नहीं करोगे उसमें। तो भाई एक पानी की बॉटल ली है, आपको रास्ते में ना बीच में छोटी सी दुकान मिल जाएगी हाइलक्स, और ये हाइलक्स मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है यार पिकअप ट्रक सच में। और भाई आपको बीच में एक रस्ते छोटी सी दुकान मिल जाएगी, कुछ खाने का लेना है, फास्ट फूड भी है इनके पास, और चिप्स वगैरह पानी की बॉटल सब मिल जाएगी। और हम पहुँच नहीं वाले मेरे ख्याल से तो, बट कोई नहीं, ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए लाइफ में, हर जगह गाड़ी से नहीं पहुँचना चाहिए। यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से टॉप पे भी जाएंगे, वहाँ भी ट्रैक है, पहले देखते हैं अंदर क्या क्या दिखता है। वो देखो उधर है टॉप, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी गाड़ी लगा सकते हैं, बाकी कैंपिंग वगैरह भी सब है, और अंदर देखते हैं जाने का है कि नहीं है। लो भाई पहुँच गए हम, जॉर्ज एवरेस्ट का बेस कैंप है ये वाला, इसके ऊपर वहाँ पर मेरे ख्याल से पीक है इधर से। यहाँ पर भाई खाने के आउटलेट भी है, पूछ के आएगा अक्षत ऊपर से, अंकल से पूछ के आ जा कि टिकट कहाँ कहाँ के लिए वैलिड है। तो भाई देखो पीछे कितने अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, कैमरे का जूमिंग लगाता हूँ। देखो भाई कितने अच्छे से पीछे दिख रहे हैं, देखो और उसमें सनलाइट पड़ रही है ना, कितना मस्त दिख रहा है। ये देखो ये वाला कि तो इधर है, खाने के काउंटर बने पड़े हैं, अभी अक्षत पूछ के आ रहा है वो टिकट कहाँ कहाँ के लिए वैलिड है, उसके हिसाब से देखेंगे। मेरे ख्याल से म्यूज़ियम भी इंक्लूडेड है उसमें। भाई देख पीछे देख कितने अच्छे दिख रहे हैं, वो जो ऐसा लग रहा है बर्फ़ लगी हुई उन पहाड़ों में, बट वो सनलाइट पता सच में बर्फ ही क्या हो पता, ऊपर चढ़ के देखते हैं एक बार। वहाँ से चढ़ेंगे भाई, पैरों में जान नहीं बची, थोड़ा यहाँ पे स्टीप है ना, वहाँ थोड़ा कम है, तो वहाँ से चढ़ेंगे। पूरी फेंसिंग लगी है, देखो भाई कितना ऊपर आ गए, इससे आगे कुछ नहीं दिख रहा, और पूरी पीछे धुंध हो रही है जो मुझे कैमरा में भी नहीं दिख रहा अभी तो फिलहाल, क्योंकि लाइट बहुत ऑपोजिट आ रही है ना, और अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि सूरज जो साइड से आ रहा है, बाकी साइड से है। और यहाँ से इसकी कोई स्टोरी होगी भाई मुझे नहीं पता है, स्क्रीन पे लगा दूंगा, अगर जिसको इंटरेस्ट होगा ना पढ़ लेना, क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी अभी इसकी। भाई यहाँ लिखी हुई है वैसे जो इसके बारे में, वे टू जॉर्ज एवरेस्ट पीक ट्रैकिंग, 900 मीटर्स की ट्रैक है, एग्जॉस्टिंग ट्रैक है, प्लीज़ वॉक वेरी केयरफुली, स्टिक टू द माउंटेन्स, पढ़ लेना भाई अपने हिसाब से। और यहाँ एक स्टैचू है, फ़ोटो खिंचानी है इनके साथ, बट लाइट ऑपोजिट आ रही है ना इसलिए फ़ोटो अच्छी आएगी नहीं, इसलिए अभी नीचे आते हुए देखेंगे, अगर थोड़ी जो सन की डायरेक्शन है वो चेंज होगी ना तब खिंचवाएंगे, क्योंकि देखो सन ऑपोजिट में आ रहा है इसलिए देख भी नहीं रहे, थोड़ा पास से दिखाते हैं। शायद यही है जॉर्ज एवरेस्ट सर जो भी थे, मेरे को भाई नहीं पता, इसलिए कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ी। दोनों का नाम डालना है ना, ये सब पढ़ना है, पढ़ ले, पढ़ना है तो, या तो जो बैग बाकी भरा वो भर दे, वही है ना इंस्ट्रक्शन वगैरह ना इसमें। पेन पकड़ियो, भर दे पर पूरा भर दे, उठा ले। तो भाई फिलहाल वो फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया वो था सेल्फ डिक्लेरेशन था, जिसमें पूरे डिटेल्स लिखी होगी, आप पढ़ लेना, मैंने स्क्रीन पर डाल दिया था। तो उसमें लिखा अगर आपको कुछ भी इंजरी हो जाती है, कुछ भी सुसाइड वगैरह कर ले तो ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा वीडियो में। सुसाइड नहीं लिखा था, इंजरी वगैरह कुछ हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, उसकी जिम्मेदार आप खुद हो, और उसमें आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, जो इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, आप दोनों का नाम
वो दिख गया होगा स्क्रीन पे, तो वो भर के ही आप ऊपर जाओगे। और इसका रास्ता दिखाता हूँ, बहुत ही पत्थर से भरा रास्ता है, हमारे रास्तों में पत्थर है बहुत ज़्यादा। और ये 750 मीटर का ट्रैक था, पता नहीं पीछे दिखाया था मैंने, तो ऊपर तक जाएंगे। अब मैं ट्रैक कंप्लीट करूँगा, क्योंकि भाई ट्रैक करते करते ना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस चढ़ जाती है। तो ऊपर पहुँच के मिलूँगा, बीच में थोड़ा रास्ता जब बचा होगा तब मिलता हूँ। लो भाई बीच में एक और व्यू आ गया, इसलिए हम बीच में रुके। और इससे आगे भाई मैं नहीं जाना चाहता, फालतू में रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे तो जा सकते हैं बट फिर भी नहीं जाएंगे, इतने में ही खड़े रहेंगे, बहुत रिस्की जगह है। ये देखो धूप भी तो यार सीधी पड़ रही है, गर्मी लग रही है। जैकेट उतारूंगा तो हवा लगेगी, वैसे जैकेट पहनूंगा तो गर्मी लगेगी, बड़ा अजीब हिसाब हो रखा है। अब सीढ़ियाँ और चढ़ो, और वो भी खड़ी सीढ़ियाँ यार, ये तो चढ़ी ही नहीं जाएगी हैं, खड़ी सीढ़ियाँ ये भाई, कैसे चढ़ूँ मैं इसको भाई, खड़ी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा। तो भाई फिलहाल अभी 2 मिनट का रेस्ट लिया है, सीढ़ियों पे लिया, देखो हालत बुरी हो गई है। मैंने जैकेट उतार दी भाई, अब नहीं हो रहा भाई, बहुत गर्मी लग रही है चल चल के, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना यहाँ पे। मेरे पास लगता है पहाड़ों पर ना थोड़ी सनलाइट की ना जो हार्शनेस है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी जो प्लेन्स होते हैं ना दिल्ली NCR उत्तर प्रदेश में, मतलब जो प्लेन एरिया है वहाँ नहीं होती, बड़े से पहाड़ों पे आ गए। इतनी 6,500 फीट की एलिवेशन पे है जो मसूरी, जो पूरा मसूरी का एरिया है 6,500 फीट की एलिवेशन पे है। तो यहाँ पे भाई जो सनलाइट है ना बहुत ज़्यादा हार्श लग रही है, वैसे भी सनस्क्रीन नहीं लगा रखी है तो वो तो छोड़ो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट बहुत ज़्यादा हार्श है तो गर्मी लग रही है। इसके अंदर मैंने स्वेटर पहना हुआ इसके अंदर भी, क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी, 8 डिग्री हो रहा था सुबह, और अब गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी रेस्ट लिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं आते हो, चलो भाई चलते हैं, गर्मी लग रही है, जैकेट उतार दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। ये देखो भाई साहब कितनी नीचे, धीरे धीरे तो भाई स्टीप बहुत ज़्यादा हो गया, और अब मैं थोड़ा संभाल संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत पतला है और पत्थर है ना, पैर से अगर हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ सीधा नीचे है, फिर कभी दिखेंगे भी नहीं हम। अब हम आगे बढ़ेंगे, हाँ हाँ आराम से चलेंगे, बहुत तेज यार, सनग्लास लगा के आना अगर धूप वाला मौसम होगा तो, बहुत तेज आंखों पे लाइट पड़ रही है, दिख भी नहीं रहा ढंग से कुछ। यहाँ तो और संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो पत्थर है बहुत ज़्यादा, तो कितना पतला हो गया भाई, लिटरली रास्ता कुछ बच ही नहीं रहा। सीढ़ियाँ भी आ गई लो, पहले ट्रैकिंग ऑफ सीढ़ियाँ, बट ऊपर चढ़ के भाई बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक करके आए हैं ना। देखो भाई वो देखो सामने दिख रहा है आपको जॉर्ज एवरेस्ट, एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ भाई। वो रहा बेस कैंप, वहाँ खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा था, और वहाँ से देखो हम कहाँ से चढ़ चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और बहुत लंबा ट्रैक है ये, लंबा मतलब स्टीप है। जिन्होंने मेरे से ज़्यादा स्टीप ट्रैकिंग करी है उनके लिए कुछ नहीं होगा, बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम है इतना ऊंचा ट्रैक। हमें यहाँ पे टॉप पे पहुँचना है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई ऊपर तक पहुँच गए, अब और ऊपर तक चलना है। चलो भाई मेरे को खड़े भाई इधर चलिए प्लीज़, कौन लेफ्ट हो गया चल पूरा भाई। लिटरली बहुत स्टीप रास्ता है, बहुत ज़्यादा स्टीप, मतलब स्टीप क्या कह रहा हूँ, पतला रास्ता है भाई साहब। अब तो और स्टीप हो रहा है, अब मैं अपनी स्पीड और धीरे कर लूँगा, मेरे को स्पीड में नहीं भगानी गाड़ी अपनी, धीमे धीमे चलना है, एकदम स्लोली जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे को कोई प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं जाना है कि भगाते भगाते जाएंगे। तो सारा रास्ता पे ध्यान दे रहा हूँ, फिसलने वाला रास्ता है भाई, लाइफ में एडवेंचर हो रहा है, बट एडवेंचर एकदम चिपक के कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड को, जहाँ खाई है उस टाइप नहीं जा रहा, कच्चा रास्ता है यहाँ पे। आराम से हाँ
जी क्या होगा कुछ तो भाई, लिटरली क्या कर रहा हूँ मैं। बहुत से चुदे शुक्रिया। चलो भाई अब मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, ऊपर सोच के मिलूँगा। मैं बैठ गए, बहुत थक गया यार, बहुत चले जा रहे कब से। यहाँ पे कैफ़े भी आया है बीच में, दिखाता हूँ मैं। देखो भाई यहाँ पे कैफ़े भी आया है, जिसको भूख लग जाए वो खा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके खाएंगे या नहीं खाएंगे। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, और अभी भी भाई बचा है थोड़ा सा ट्रैक, बचा है ज़्यादा भी नहीं बचा। पूरा खतरों का खिलाड़ी चल रहा है, मज़ा आ रहा है बट थकान भी हो रही है। अब ऊपर जाना है जल्दी से। लो लाइट, लिटरली हम कितनी लंबी चढ़ाई करके देखो कहाँ तक आ गए, देखो पहुँच ही गए। बस यही है, ये यहाँ तक, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। आ गया भाई पीक, हमने कर दिया फाइनली, टॉप पे आ गए एकदम। भाई मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में एक बार ट्राई करो फालतू फंड में भाई, ये मत वेट करो कभी कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। लाइफ आज ही में जलती है, कल ही होती है सोचे, बट जो भी चीज़ है ना कर लो। चलो भाई बहुत यहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, इधर अब इधर चढ़ेंगे थोड़ा नीचे झुक झुक के। हाँ भाई बहुत मुश्किल है। और भी बहुत लोग हैं। मेरी फोटो ले लो रानी। पहुंच गए भाई टॉप पे, अभी सही से खड़ा था, हो जाओ। अब देखो भाई साहब, आहा मजा आ गया भाई। जल्दी पहुंच गए, इधर आ जाओ, लाइट आ रही है। देखो भाई पीछे पूरे टॉप पे आ गए, मुझे पता है व्लॉग देख के डैडी जरूर कुछ बोलेंगे। भाई देखो कहाँ पे हैं, सबसे टॉप पे हैं। तो भाई फिलहाल अभी हमने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है, भाई मज़ा आ गया। ऊपर मैंने ज़्यादा बोलने वाली वीडियो नहीं बनाई, वैसे सिनेमैटिक्स टाइप शूट करा है। अब नीचे उतर रहे हैं, एक नंबर एक्सपीरियंस था लिटरली, बहुत मज़ा आ गया। अब तो नीचे उतरना तो थकान इतनी होगी नहीं, और नीचे उतरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर चढ़ने में तो शायद 45 मिनट लग गए थे, नीचे उतरने में एक घंटा आधा घंटा ही लगेगा। तो भाई मैं यही कह रहा था कि वेट मत करो भाई किसी चीज़ का निकलने का, अगर आपके पास ऑप्शन है, एज है आपके पास, मतलब अब स्कूल वगैरह में वो तो अलग चीज़ है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो पहले, स्कूल बहुत ज़रूरी है। बट उसके बाद कॉलेज में अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से भी करते हो तो भाई लग सकती है आपकी जॉब, और इसका और जॉब वगैरह सब होती रहती है भाई। वेट करोगे मतलब 1,00,000 रुपये सैलरी होगी तब मैं जाऊँगा घूमने, तो भाई वो कुछ नहीं, समय निकल जाएगा। फिर जब आपके पास असली में पैसे आना स्टार्ट होंगे फिर आपका मन बदल जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो निकल जाओ जो भी रिसोर्सेज हैं बाइक है। तो बजट ट्रैवल करना है ना, सबसे बजट वाली बाइक खरीद लो जो अच्छी माइलेज देती है, पहाड़ों पे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं खुद अपनी पैशन एक्सप्रो लेके आया था नैनीताल ट्रिप पे, बजट वाली बाइक भी बहुत आराम से चढ़ जाती है। लद्दाख ले जा रहे हैं भाई लोग, स्प्लेंडर जैसी बाइकों को लोग लद्दाख ले जा रहे हैं, बजाज प्लेटिना लद्दाख जा रही है, सारी बाइक जाती है और वो एवरेज भी अच्छी देती है, तो आपको बजट में ट्रैवल होगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मिस मत करो अगर आपका इंटरेस्ट है। भाई आगे सबसे ऊंची वाली सीढ़ी। तो भाई मैं ये कह रहा था निकल जाओ, कल का वेट मत करो, कल कभी नहीं आता, धीरे धीरे पूरी एज निकल जाएगी, 50 साल के हो जाओगे फिर।
35 40 के बाद तो वैसे भी बॉडी थोड़ी साथ देना छोड़ देती है, तो तब तक का वेट करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। इंडिया में क्या है, लोगों का आधे से ज़्यादा लोगों का जो लाइफ का मतलब है वो शादी है। लोग मैंने देखा है शादी मतलब नौकरी भी लोग इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि शादी हो जाए भाई, उससे आगे भी बहुत चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा घूमने वाली चीज़, कोई शौक होता है सबका, हॉबीज़ होती है, बेशक उससे आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, बट अपनी खुशी के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए लाइफ में क्या क्या करा है वो तो कर सकते हो। सिर्फ नौकरी इसलिए लग जाए कि शादी करनी है वो बेवकूफ़ी है, और चीज़ें भी करो लाइफ में, और प्रोसेस में रखो मतलब बैलेंस रखो, पढ़ाई भी करनी है, हर काम भी करने हैं, जॉब भी करनी है, थोड़ा जब टाइम मिलता है तो निकल जाओ, कल का वेट मत करो, बस यही बताना था मुझे। बाकी भाई सबकी अपनी मर्जी है, सब अपनी मालिक अपने जीवन के मालिक है। A few moments later. तो भाई उसमें यहाँ की कहानी कुछ ऐसे है कि जॉर्ज एवरेस्ट सर करके कुछ पर्सन थे, तो वो यहाँ पे रिसर्च के लिए उनको अपॉइंट किया गया था 1800 की बात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो उसके हेड थे, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे रिसर्च वगैरह करी थी और उसी के मतलब उस रिसर्च से रिलेटेड था। तो जो यहाँ के ओनर हैं ऐसा कुछ वहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा है, उन्होंने उनके नाम पे इसको पूरा डिज़ाइन किया और कंस्ट्रक्ट करवाया। चलो भाई अब निकल रहे हम, यहाँ तो घूम लिया है, बाकी अब हम जाएंगे दलाई हिल्स, मतलब दलाई हिल्स हो गया और वो बुद्धा टेम्पल सेम ही है। और भाई बहुत स्टीप है यहाँ पे तो गाड़ी चढ़ाने में, बट चढ़ जाएगी मुझे पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर हम देखेंगे दलाई हिल्स और वो जो बुद्धा टेम्पल है वो आसपास, मतलब सेम ही जगह है, थोड़ा उसका एक्सटेंशन है वो, उसके बाद देखेंगे जहाँ भी मन करता है जाने का वहाँ पे रुकेंगे। सामने से गाड़ी आ गई, पहले भाई हमें निकलने दो, ऊपर चढ़ने वालों को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। भाई ये स्टीप है बहुत ज़्यादा, याली जगह है ना, मतलब वैसे तो स्टीप ही है हर जगह लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्टीप है ये, तो यहाँ पे तो भाई थोड़ा कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा। चलो जी चलो, और भाई वर्थ इट था, बट बाकी ना पहले मैंने दो तीन लोगों को बात करते हुए सुना, अब नहीं जाती है वहाँ पे जो बेस कैंप है ना वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है, अब पहले जाया करती थी, तो भाई वही है ना कमर्शियलाइज हो गई है हर चीज़ से, मतलब अब ठीक है यार मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये ठीक बात, मतलब इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि टूरिज्म तभी है। अगर ठीक है 200 रुपये की पार्किंग है गाड़ी की, 100 रुपये की टू व्हीलर की पार्किंग है और पर पर्सन ऊपर जाने तक के 200 रुपये है, मतलब 200 रुपये की हम ट्रैकिंग करके आए हैं एक तरीके से, और म्यूज़ियम के अंदर भी है जाने के लिए उसकी 100 रुपये की अलग टिकट है, बट मैं म्यूज़ियम हमने स्किप कर दिया क्योंकि इतना टाइम वैसे ही हो गया था। तो अब हम निकलते हैं आगे की तरफ, देखो भाई यहाँ ख़त्म हो गया, अब यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे, राइट होके यहीं से। पहले तो साइड में रुकी जाए और बेल्ट लगाएं हम फिर चलाएंगे, या थोड़ा आगे रुकता हूँ, कितने लगाऊं, लो भाई फिलहाल अब हम दलाई हिल्स बोल लो, दलाई हिल्स मतलब सेम ही बता रहा है, बुद्धा टेंपल दलाई हिल्स पहुंच गए, पार्किंग है बट बहुत रिस्की है भाई, अभी बताता हूँ क्या क्या हुआ है। वो स्टार्टिंग मतलब थोड़ा एंट्री कर रहे हैं वहाँ का दिखा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से है इसका पूरा एंट्रेंस। देखो भाई पहुंच गए हम यहाँ पे, भाई जगह तो अंदर है बट जो रास्ता है ना सोच नहीं सकते कैसा रास्ता है। यहाँ पे स्टॉल से खाने के लिए, यहाँ पे डॉग्स भी हैं, कुछ करना दे बस। चलो भाई यहाँ से एंट्री है, द 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स वर ऑफर टू द बुद्धा बाय ब्रह्मा एंड अदर्स, द बुद्धा इन टर्न ऑफर्ड देम एज मेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर एक्यूमुलेटिंग मेरिट फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स विद द एस्पिरेशन दैट वन मे एन्जॉय द ग्लोरी एंड ओशन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। यहाँ भी कैफे है, द प्रीशियस अम्ब्रेला
मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट लैंग्वेज होगी ना जो ऊपर लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट में लिखा है। क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं? पालकी होती है, पालकी। द विक्ट्री बैनर। हाँ, जो अनाहाता लिखा है ना, बुद्धिस्ट फिलोसफी का कंसेप्ट है कोई। अच्छा भाई, वाइब तो भाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। बाकी जो रास्ते भाई मैं चला के लाऊँ ना, अभी बताता हूँ कहीं बैठ के क्या दिमाग खराब हुआ वहाँ पे। द गोल्डन फिश, यहाँ से एंट्री है। दिस वे लेफ्ट लिखा है अक्षत, इधर कहीं लिखा है भाई, देखो इस तरफ से है ऐसे। दी प्रेयर व्हील, इधर से अक्षत, यहाँ से एरो बना हुआ है ना, यहाँ से घूम के होगा मेरे ख्याल से। हैं, पूरी रेंज है ना ये यहाँ पे। देखो अभी भी ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ों का, इधर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, थोड़ी मिट्टी पड़ गई है। चले पहले अंदर देखते हैं आके, कोई नहीं, कोई बोलेगा तो बंद कर दूँगा। आ जा, भाई देखो ऐसी वाइब्स है। भाई मेरे को घूम ही नहीं रहा। आ जा, हाँ इधर से है ना, दिस वे। इधर ही क्या बना हुआ है थोड़ा पता नहीं भाई मेरे को क्या क्या बना है। थोड़ा कोयला डाल रखा अंदर शायद। दी मंत्रा ओम, भाई पीसफुल जगह है इसलिए कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। टेम्पल ही दिखा रहा हूँ इसलिए खाली व्यू देख सकते हो आप। यहाँ भी है लिखा हुआ, कुछ पढ़ सकते हो। A few moments later. Thank you.
30 minutes later. भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ वापस रूम में, और वहाँ पे भाई जैसे आपने तभी देखा कि इसमें बुद्धा टेम्पल में, भाई मैं बोल के ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहता था, और अंदर जो मेन टेम्पल है उसके अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं थी, बार बार से मैंने रिकॉर्ड किया था। तो भाई सीन बहुत अच्छा था, जैसे व्यूज़ अच्छे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे मैसेज लिखे हुए थे यहाँ पे, और बहुत पीसफुल जगह थी जहाँ पे आप शांति से बैठ सकते हो। और उसके बाद छोटा सा ऊपर ट्रैक है, वो ना मेन जो टेम्पल नीचे की तरफ बना हुआ है ना उसमें नहीं देखेगा, उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 400-500 मीटर का ट्रैक है, लेकिन वो 400-500 मीटर ना बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप पहली से एक जगह की ट्रैकिंग करके आए हो। तो पहले भाई हम जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई करके आ चुके थे, उसके बाद हमने फिर बुद्धा टेम्पल में दलाई हिल्स वाली भी जो चढ़ाई है वो करी, ट्रैकिंग कर करके 400-500 मीटर है, उसके बाद आप टॉप पे पहुंचोगे। पहले नीचे वाले टेम्पल में चले जाना, उसके बाद ऊपर वाले में जाना, वहाँ पे भी छोटा सा रास्ता बना होगा बट ठीक है, मतलब थकान होगी अगर आप कहीं और से ट्रैकिंग करके नहीं आए हो। बाकी जो व्यू था बहुत अच्छा था, प्लस जो भी स्टैचूज वगैरह थी बहुत पीसफुल थी, तो ठीक है, एक अच्छी लोकेशन है, पीसफुल लोकेशन है, वहाँ भी आप जा सकते हो। और जो टिबेटन फ्लैग है बहुत अच्छे हैं। बाकी ख़रीदने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मेरा मन है ख़रीदने का बहुत सारी चीज़ें वैसे, बट मैंने वो सब चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदना चाह रहा मैं यहाँ से, मैं उसे लद्दाख में ख़रीदूँगा। मुझे अपने व्हीकल पे एक बार टिबेटन फ्लैग लगा के चलाना, लेकिन वो मैं तब लगाऊंगा जब मैं खुद ख़रीदूँगा लद्दाख से, तो मैं वहीं से ख़रीद के लगाऊंगा, इसलिए वरना मैं ख़रीद सकता था, वहाँ भी बहुत सारे मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। जब भी मैं लद्दाख जाऊँगा उसी दिन वहाँ से ख़रीदूँगा। बाकी अच्छी सीनरी थी वहाँ पे, आप एंजॉय कर सकते हो, थोड़ा पीसफुल है, शांति है, शांति में बैठना चाहते हो तो वहाँ जाओ। बड़ी मुश्किल से फंसा, फिर मेरे को जहाँ पार्किंग मिली ना, मतलब उससे बुद्धा टेम्पल से थोड़ा पहले पार्किंग पेड पार्किंग थी, वो जो प्राइवेट ओनर होते हैं घर वाले उनकी थी, तो वहाँ मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी, वहाँ 200 रुपये पार्किंग का चार्ज था। उसके बाद मैं आगे तक गया, लेकिन अब जिनके अंदर है हुनर, जो ट्रैफिक में जिनको सरदर्दी, मेरे को भाई ट्रैफिक में गाड़ी फंसाने में बहुत सरदर्दी होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं ट्रैफिक से अलग चलूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ ऐसे रास्ते पकड़ लूँ, लेकिन कई बार आज जैसे फंस गया मैं तो। इसलिए बुद्धा टेम्पल पे आप ले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस फंस के है, वरना आप बुद्धा टेम्पल के एकदम नीचे, मतलब एकदम सामने गाड़ी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत पतली जगह है और वहाँ बहुत जाम लग रहा है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा थोड़ा पहले बुद्धा टेम्पल मेन नहीं, उसे थोड़ा पहले रोक लेना, और ट्रैवल करने लिख रहे हो तो यार थोड़ा सा तो पैदल चली लो ना, गाड़ी से गाड़ी में पहुंच के निकल गए तो फिर क्या फ़ायदा। लोग तो जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप में भी गाड़ी करके जा रहे थे, भाई अगर तुम घूमने, अगर तुम्हारे अंदर मेडिकल कंडीशन है कि तुम बीमार वगैरह तो नहीं चल सकते तो अलग चीज़ है, तुम गाड़ी कर रहे हो, बट अगर तुम्हारे अंदर है पावर तुम चल के जाओ, जवान इंसान पैदल नहीं जा रहे ऊपर, तो ट्रैवल करने निकले तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो पैदल चलो, तो वहाँ तक भी ला रहे थे। तो इसलिए बुद्धा टेम्पल के वाला गाड़ी लगा सकते हो, बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी थी, छोटी से छोटी गाड़ी भी थी, तो वहाँ लगा सकते हो, बट जाम में फंस के आना पड़ेगा। मेरा प्रेफरेंस ये होगा पहले लगा लो पार्किंग में और थोड़ा पैदल चले जाओ, थोड़ा वेट भी कम होगा। तो यही था, अच्छी जगह थी। बाकी अभी मैं होटल रूम में वापस आ चुका हूँ, और अब कितने बज रहे हैं, अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी मैंने खाना नहीं खाया दिन का, अभी थोड़ी देर में खाना मंगा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ हैपनिंग सा होगा तो दिखाऊंगा, वरना रात तक एंड करूंगा व्लॉग को। आज का जो व्लॉग है ये episode 2 है, इसके बाद कल शायद हम मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस है हम घर की तरफ ही निकलेंगे, क्योंकि आज के लिए मतलब एक्सटेंड करने का भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, और ये होटल बहुत गंदा है और मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं कि अब जाके मैं होटल ढूंढूँ कि कल मैं उस होटल में शिफ्ट करूंगा। अभी मैं थक चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि 2 बार ट्रैकिंग करी है मैंने और बहुत स्टीप ट्रैकिंग थी ये भी है। तो फिर आज के लिए भाई अभी यहाँ तक करते हैं, अभी खाना मंगाएंगे, फिर देखता हूँ कुछ हैपनिंग सा होगा तो मिलते हैं, वरना मैं रात को एंड करूँगा व्लॉग को। भाई पहुँच गए फिलहाल खाने के लिए, ढंग का रेस्टोरेंट है, अब ऑर्डर करते हैं फिर देखते हैं कैसा है। अभी भाई अच्छे खाने का वेट है, बस अच्छा खाना मिल जाए परसों, कल से अच्छा खाना नहीं मिला अभी तक। अब यहाँ से उम्मीद है कि अच्छा खाना मिल जाए, कि मज़ा आ जाए, वरना बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है बिना अच्छे खाने के। हमारे होटल में तो खाना ही नहीं मिल रहा है खाना मिल जाए जल्दी से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ यही है, चम्मच नहीं है वो। भाई आ गया खाना, अब खा के मिलेंगे, देखते कैसा टेस्ट आता है, बड़ी देर हो गई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई फिलहाल फाइनली होटल रूम में वापस पहुंच गए, खाना एक नंबर था, बड़ी मुश्किल से अच्छा खाना मिला, वरना तो भाई ऐसी भटक रहे थे 2 दिन से, खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा था। बहुत मस्त खाना खाया, उसके बाद उन्हीं अंकल की दुकान पे हमने जाके चाय भी पी ली थी, तो चाय का भी टेस्ट तो अच्छा ही था वहाँ पे। बाकी अब कुछ है नहीं दिखाने के लिए, कितने बज गए,
तो भाई 7-9 हो चुके हैं, अब कुछ है नहीं ट्रैवलिंग का दिखाने के लिए क्योंकि सोना ही है रात को। देखेंगे अगर भूख लगेगी तो खाना मंगाएंगे, इनसे ही मंगाएंगे, बहुत भगवान भरोसे वाला खाना है और है ही नहीं। पहली बात तो हमने इनको कॉल करके बोला जाने से पहले कि ना खाना भेज दो, कह रहे भैया 6 बजे के बाद खाना बनता है। वाह, इस होटल की बात नहीं है ये, वैसे भी किसी होटल में भाई चेक करके लेना चाहिए, मैं वैसे चेक करके लेता हूँ, बट इस बार बहुत ज़्यादा गलती कर दी मैंने। सबसे पहला व्यू देख लिया, अंदर देखने आया था बट इतना ध्यान से नहीं देखा, तो दिक्कत वाला होटल है बहुत ज़्यादा। कभी कुछ नहीं होता कभी टॉयलेट में दिक्कत होती है इनके, कभी मेन गेट की चाबियाँ नहीं लगती, कभी टीवी नहीं चलता, कभी खाना नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, बहुत दिमाग ख़राब है। कल एक्सटेंड करना था मुझे, एक दिन यहाँ पर रुकना था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं जा के हर जगह होटल ढूंढूँ। तो कल निकलेंगे घर को, अब फाइनल है, कल घर जाएंगे। एपिसोड 2 आज का इतना ही था, बाकी कल का वीडियो ऑब्वियसली छोटा ही होगा, घर जाना है सेम वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए कल का वीडियो छोटा होगा, आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया होगा। और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने ट्रैकिंग करी लाइफ में पहली बार इतनी लंबी, वो भी 2 बार ट्रैकिंग करी, तो वो ट्रैकिंग आपको कैसी लगी बताना। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी जब भी आप इधर मतलब यूज़ करो, थोड़ा गूगल मैप से बच के ना लोकल से भी रास्ते पूछ लेना, गूगल मैप बहुत पागल कर देता है पहाड़ों पे। तो 2 ट्रिप मैंने पहले भी करी थी जब मुरनी हिल्स और नैनीताल की, तब भी भटक गया था मैं, तो अभी भी हम वापस गूगल मैप के भरोसे नहीं लेकिन लोकल लोगों से पूछ के रास्ता फिर हम पहुँचे। गूगल मैप ने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया था और एक ही रोड पर 12 घुमाया जा रहा था, तो इसलिए गूगल मैप्स के भरोसे आप एटलीस्ट पहाड़ों पर तो मत रहा करो। कभी कभी क्या हो सकता है, गूगल मैप्स आपको सीधी रोड दिखा रहा है और वहाँ पे खाई होगी, थोड़ा लोकल से पूछना पड़ता है। तो भाई ठीक है, आज का वीडियो इतने रखते हैं, बताना कैसा लगता है, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वॉन्टेड। बाय बाय।